इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये चैप्टर है जिसे हम कहते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखिए जो ये इंडक्शन शब्द है प्रेरण प्रेरणा से मिलकर बनता है। यदि कोई बात हम कहें और हमारा आपका शरीर या कोई एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संपर्क न हो और एक का प्रभाव दूसरे पर पड़े तो इसे हम प्रेरणा कहते हैं। ये प्रेरण शब्द इसी से बना हुआ है प्रेरण शब्द। तो जब हम चुंबक की बात करते हैं तो इसमें भी है, अगर एक चुंबक दूसरे से संपन्न न हो या चुंबक का प्रभाव दूसरे पर पड़े लेकिन चुंबक का उस वस्तु से संपर्क न हो तो ऐसी चीजों को हम प्रेरण शब्द, इसे ही हम प्रेरण या प्रेरणा से मिलकर बना है प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ने में सबसे पहले आप पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जिसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ये चुंबकीय फ्लक्स क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में गुजरने वाले तल के अभिलंबवत, जैसे मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र का दिया गया है, ये चुंबकीय क्षेत्र है तो इस चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत गुजरने वाली, इसके जो लंबवत अभिलंबवत होगा या लंबवत आप कह सकते हैं, तो लंबवत तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। समझ गए चुंबकीय फ्लक्स क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी चुंबकीय तल के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी चुंबकीय तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। इसका मान फाई बराबर होता है बी ए। क्या होता है? बी ए, जहां बी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ए एरिया या क्षेत्रफल है। और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक आपका होता है बेबर, एएसआई पद्धत में होता है बेबर, या आप कह सकते हैं न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, या न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, ये इसका मात्रक होता है। और अगर इसके हम डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन जिसे हम बीमा कहते हैं, तो इसकी बीमा होती है यम यल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन, ये इसकी क्या होती है? बीमा होती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित किसी चुंबकीय तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स जो फाई होता है वो बीए होता है, इसका मात्रक होता है बेबर या न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, ये इसकी डायमेंशन या बीमा होती है। देखिए जैसे यूनिट है बेबर और वैसे डायमेंशन या बीमा क्या है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन। अब आप पढ़ेंगे चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम। चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम आपको पढ़ना है। तो एक तो हमने आपको चुंबकीय फ्लक्स बताया, अब आप पढ़ेंगे फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे के चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। तो फैराडे के चुंबकीय प्रेरण संबंधी दो नियम हैं,
एक आपका प्रथम नियम, इनके कितने नियम हैं? दो नियम हैं। पहला है प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या है? इन्होंने बताया जब किसी कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, एक चीज यहां पर यह भी जान लें, जो आपका यह है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, इसका एक और नाम है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, चाहे आप कहें चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या और चाहे कहें चुंबकीय फ्लक्स। तो जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न हो जाता है और परिपथ में धारा बहने लगती है। यह पहला नियम है। जब किसी कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की, ऐसे लिख सकते हैं कि जब किसी कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और धारा बहने लगती है, तो ये बात समझ गए। जब किसी कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और धारा बहने लगती है। ये नियम है कौन किसका? फैराडे का। कौन सा नियम है? पहला नियम है कि जब किसी कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और धारा बहने लगती है। ये सीधे, अगर मान लीजिए यहां पर एक कुंडली आप लें इस तरीके से और यहां पर इसमें मिली एम्पियर मान लीजिए लगा है, तो यहां पर अगर चुंबक को हम गति कराएं, चाहे आगे ले जाएं चाहे पीछे ले जाएं, तो जब चुंबक को हम गति कराते हैं तो इसमें एक इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से एक चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घटती है और बढ़ती है। इसी घटने और बढ़ने के कारण ही इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और धारा बहने। तो इस प्रकार से इसको याद कर लीजिए, जब किसी कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और धारा बहने। ये फैराडे ने अपने पहले नियम में बताया था। अब इनका दूसरा नियम क्या है आप पढ़ेंगे? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो इनका दूसरा नियम है, जिसे हम कहते हैं फैराडे का चुंबकीय प्रेरण संबंधी द्वितीय नियम। कौन सा नियम? द्वितीय नियम। तो इनका दूसरा नियम क्या है? सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, किसके संबंध में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के संबंध में। चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का दूसरा नियम क्या है? इन्होंने बताया कि उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, अभी आपने पहले पढ़ा था जब किसी कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो ये उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ये इन्होंने बताया। यानी अगर इसको हम ऐसे लिखना चाहें, पहले आप चाहे लिख लें कि उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की
फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, दर के बराबर होता है। ई बराबर होता है माइनस डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। अब देखिए इसको ऐसे याद करना है कि उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, लेकिन अगर आप सूत्र से याद करना चाहें तो बहुत आसान है। देखिए साइंस में जो ये डेल्टा शब्द आता है ये अक्सर परिवर्तन के लिए आता है। किसके लिए आता है? परिवर्तन के लिए आता है। तो डेल्टा जो परिवर्तन के लिए आता है तो इसको हम परिवर्तन कहते हैं। फाई चुंबकीय फ्लक्स के लिए आता है। फाई किसको डिनोट करता है, किसको प्रदर्शित करता है? चुंबकीय फ्लक्स को। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, और ये माइनस ऋणात्मक बताता है, समय ये दर बताता है। यहां समय में भी क्या है? परिवर्तन है, तो दर परिवर्तन बताता है। तो क्या हुआ? उत्पन्न, और ई क्या है? उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। ई क्या है? उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब देखें इस नियम को यहां से कोशिश करें। उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। क्या कहेंगे? उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। सूत्र से बहुत आसानी से याद हो जाएगा। कभी नियम भूल जाए सीधे आप सूत्र लिखिए, और सूत्र के जो ये अक्षर हैं ये डिनोट, जिनको किया गया, ई क्या डिनोट करता है, फाई क्या डिनोट करता है, टी क्या डिनोट करता है, डेल्टा क्या डिनोट करता है। तो हमने बताया ई प्रेरित विद्युत वाहक बल को डिनोट करता है, फाई जो है चुंबकीय फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स को बताता है, डेल्टा परिवर्तन को बताता है, ये डेल्टा टी समय को बताता है। तो ये नियम याद हुआ, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो हमने तीन बातें बताई हैं, एक बार पुनः सुन लीजिए। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। फिर एक बार ढंग से सुने, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स, वो भी कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। फाई बराबर बी ए काय से लिखते हैं, जैसे अभी हमने बताया था, फाई बराबर बी ए, बी जो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ए एरिया या क्षेत्रफल है, फाई मैग्नेटिक इंडक्शन है। अब इसके पश्चात मैग्नेटिक फ्लक्स है, फाई क्या है? इंडक्शन है, बल्कि मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब इसके दो नियम हमने बताए। पहला नियम क्या बताया? जब किसी कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और धारा बहने। दूसरा हमने बताया, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता, और वो भी सूत्र से हमने बताया, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता। अगर चुंबकीय कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो ये n डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी भी से लिखते हैं, जहां पर n क्या है? चुंबक कुंडली में फेरों की संख्या। तो बस इतना रखें।